सरकार के सार्वजनिक उपक्रम नेपा लिमिटेड को एक बार फिर चोरों ने निशाना बनाया। आपको बता दें कि चोरों ने नेपा मिल में घुसकर इलेक्ट्रिकल स्टोर में रखे कॉपर पाइप और अन्य सामग्री को चुरा लिया। सूचना मिलने पर नेपा नगर थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। पुलिस मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाने के साथ ही कर्मचारियों के बयान भी दर्ज कर रही है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी चोरों ने नेपा नगर के नेपा लिमिटेड में भी फैक्ट्री की दीवार तोड़कर चोरी का प्रयास किया था। वहीं अब एक बार फिर चोरों ने दीवार तोड़कर इलेक्ट्रिक शॉप से कॉपर पाइप चोरी कर लिए। नेपा मिल के सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर नेपा नगर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच भी तेज कर दी। नेपा मिल के अंदर जो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप है उसके अंदर रखे हुए 15-20 पाइप है तांबे के, जो एसी बनाने में उपयोग होते हैं, 15-20 नग चोरी गए हैं। और मोटर वाइंडिंग के जो तांबे के जले हुए तार, कुल कीमती 98,000 का मसलों का अज्ञात चोरों के द्वारा जो नेपा मिल के पीछे जो दीवार है वर्कशॉप की दीवार को खोद के अंदर घुसे चोर और अंदर दीवार तोड़ के उन्होंने ये सामान चोरी किया है। इसकी रिपोर्ट पर थाने में चोरी का अपराध कायम किया है।